तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के हैंडसम अंक ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्मों के बारे में। ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्म थी विक्रम बेदा, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। विक्रम बेदा एक रीमेक फिल्म थी जिसकी वजह से वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अब जो ऋतिक रोशन की फिल्में आने वाली हैं वो बहुत ही कमाल की एक्शन फिल्में होने वाली हैं, जिनको लेकर पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो देखते हैं कि ऋतिक रोशन की कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या धर्म क्या है बंधुकांड समझा? किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? नंबर वन फाइटर। फाइटर ऋतिक रोशन की आने वाली एक बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म है। इसमें हमें ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं। इसे डायरेक्शन दिया सिद्धार्थ आनंद ने, जो इससे पहले बैंग बैंग बोर और पठान जैसी तगड़ी एक्शन फिल्में बना चुके हैं। इसे प्रोड्यूस भी सिद्धार्थ आनंद ने ही किया है और इसे मार्फ्लिक्स और बायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है। फाइटर इंडियन सिनेमा की फर्स्ट एरियल एक्शन फ्रेंचाइज फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण दोनों पायलट के रोल में नजर आएंगे। फाइटर इंडियन सिनेमा की काफी तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें हवाई एक्शन देखने को मिलेगा। इस बड़ी फिल्म को 25 जनवरी 2024 को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। नंबर टू बॉर टू। बॉर वन को 2019 में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ काफी तगड़े लेवल पर एक्शन करते दिखाई दिए थे। बॉर फिल्म को 170 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 475 करोड़ की धुआंधार कमाई करी थी और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। अब हमें बॉर की सेकंड इंस्टॉलमेंट बॉर टू के तौर पर बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बॉर टू एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जगह विद्युत जम्वाल को कास्ट किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बॉर टू में विद्युत जम्वाल को कास्ट किया जा सकता है। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं सिद्धार्थ आनंद, जो हाल ही में पठान जैसी तगड़ी एक्शन फिल्म बना चुके हैं। बॉर टू स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिसका कनेक्शन टाइगर 3 और पठान 2 से होगा। बॉर टू इंडियन सिनेमा की बहुत ही तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें ऋतिक रोशन और विद्युत जम्वाल का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसे 400 करोड़ के हाई बजट पर बनाया जाएगा, जिसे 2024 के लास्ट में रिलीज किया जा सकता है। नंबर थ्री क्रिस 4। क्रिस 4 ऋतिक रोशन की आने वाली एक मच अवेटेड सुपर हीरो एक्शन फिल्म है। क्रिस 4 क्रिस फ्रेंचाइज का फोर्थ इंस्टॉलमेंट होने वाला है, जिसमें हमेशा की तरह ऋतिक रोशन मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं। इसे डायरेक्शन ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन नहीं बल्कि कोई हॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर क्रिस 4 को डायरेक्शन देने वाला है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सुपर हीरो एक्शन फिल्म होने वाली है। क्रिस 4 इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सुपर हीरो एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी टाइम ट्रेवल पर आधारित होगी। इसमें जादू भी वापसी करने वाला है। इसे 500 करोड़ के हाई बजट पर बनाया जाएगा, जिसे 2025 में रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग क्रिस 4 को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें अलग अलग टाइप की सुपर पावर्स दिखाई जाएंगी। नंबर फोर दोस्तों, स्पाई यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म आने वाली है, जिसमें हमें ऋतिक रोशन एज ए कबीर, शाहरुख खान एज ए पठान और सलमान खान एज ए टाइगर के रोल में नजर आने वाले हैं। ये बहुत ही तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें बॉलीवुड के तीन बड़े सुपरस्टार एक्शन करते दिखाई देंगे। इस बड़ी फिल्म को 500 से 600 करोड़ के हाई बजट पर बनाया जाएगा। अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। जैसे ही इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही ये बड़ी फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। इसे रिलीज होने में लगभग 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है, यानी कि इसे 2025 या 2026 में रिलीज किया जा सकता है। कुर्सी की बेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ऋतिक रोशन की आने वाली अगली फिल्म पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ होने वाली है, जिसमें हमें ऋतिक रोशन और प्रभास काफी तगड़े लेवल पर एक्शन करते दिखाई देंगे। ये बहुत ही तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसे 500 से 600 करोड़ के हाई बजट पर बनाया जाएगा, जिसे मैत्री मूवीज मेकर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसे डायरेक्शन दे रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो एक्शन फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये इंडियन सिनेमा की एक बहुत ही तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें प्रभास और ऋतिक रोशन का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस फिल्म को 2026 तक रिलीज किया जा सकता है।
तो दोस्तों वैसे तो ऋतिक रोशन की और भी कई बड़ी एक्शन फिल्में आने वाली हैं, जिसकी अनाउंसमेंट अभी होनी बाकी है। तो आप लोग इनमें से कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार। और ऐसी आने वाली फिल्मों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।